पास में कार्बोनाइल कंपाउंड की कुछ रिएक्शन करी थी, जिसमें हमारे पास SN2TH4 कार्बोक्सिलिक एसिड अब हम बचा हुआ था, वो आज हम कर रहे हैं। तो ये क्या है SN2TH4 कार्बोक्सिलिक एसिड? देखिए, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशंस, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, सेकेंड ऑर्डर, टू का मतलब यानी बाय मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बाय मॉलिक्यूल। और टी एच का मतलब टेट्राडल इंटरमीडिएट बनेगा, यानी जो भी आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा जो अनस्टेबल है उस पे, उसके अंदर कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो कौन सा होगा? टेट्राडल। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप इसके लिए PCl5 लें, PCl3 लें या SOCl2 लें, ये एसिड हैलाइड बनाएगा इसी मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके लिए आपको सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा? PCl5। आप सॉल्वेंट ले सकते हैं पिरिडीन, यहाँ पिरिडीन ले सकते हैं। आप जानते हैं पिरिडीन क्या होता है? ये होता है पिरिडीन स्ट्रक्चर, ठीक है? ये सॉल्वेंट की तरह रहेंगे। तो ये मैकेनिज्म किस तरह से होती है? बहुत कोई खास नहीं है। OH यहाँ पर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। बट अगर फास्फोरस, ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाता है, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो फास्फोरस उसको थोड़ा सा अच्छा है लिविंग ग्रुप बनाने में मदद करता है। इसलिए मैंने हैलाइड लिया है, लेकिन कौन सा लिया है? PCl5। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कोई और हैलाइड ले लेता हूँ, जैसे NCl3 या कोई और, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं फास्फोरस हमारी तरह से दो तरह से मदद कर रहा है, एक OH का अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा है, दूसरा हेलोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों कारण इसको PCl5 या PCl3SOCl2 को एसिड हैलाइड बनाने में मदद करते हैं, और एसिड से OH निकल जाएगा। OH फास्फोरस के साथ अटैच है, POCl3 बनेगा, यहाँ पर HCPO3 बनेगा, और यहाँ SOCl2 है। ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी देगा, क्योंकि HCl अपने आप में यहाँ पर गैस बन के उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, यानी हम तीनों से एसिड हैलाइड बना सकते, लेकिन ये बेस्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी इसी तरह का एग्जाम्पल है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर थ्रू ए कंडेंसेशन रिएक्शंस नॉन एज एस्टरीफिकेशंस। ये फिशर ने बताया था पूरा। जनरल रिएक्शन हमारे पास RCOOH और एल्कोहल ले लिया, ROH। एल्कोहल यहाँ पर H, प्रोटॉन कौन दे रहा है? एल्कोहल दे रहा है। जनरली ऐसा लगता है कि एसिड है वो H देगा, एल्कोहल नहीं देगा, लेकिन देता कौन है? H कौन देता है? एल्कोहल। एसिड यहाँ पर OH दे रहा है, क्योंकि ये कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक तरह से। इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ चीज ऐड होके फिर निकलना। तो किस तरह से मैकेनिज्म हो रही है पहले समझ लीजिए। ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, दिख ही रहा होगा आपको, एसिडिक दिख रहा है, और वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मीडियम में एच प्लस आपको मिल ही जाएंगे, एसिडिक मीडियम। ये एच प्लस इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, करता है, करने दो। वैसे भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आप खुद ही बताएं कि यहाँ पर रेजोनेंस है या नहीं है। ये लोन पेयर देगा, ये इस तरफ जाएगा, समझ ना बात को। तो किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, डबल बॉन्डेड या सिंगल बॉन्डेड? डबल बॉन्डेड, रेजोनेंस की वजह से। तो एच प्लस किसके ऊपर अटैक करेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। बोलो हाँ या ना? यस। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी एच प्लस की किसी और के कंपेयर में, तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरह से OH, और कार्बन पे क्या मिलेगा? प्लस। और कार्बन पे प्लस मिला, यस और नो? तो उसी समय ये हमारे पास यहाँ अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेके आ गया। भाई ये कौन सा ऑक्सीजन है? अल्कोहल वाला।
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ वाटर वाला भी तो आ सकता था, अगर वाटर होता तो आपकी रिएक्शन जहाँ से शुरू होती वहीं पहुँच जाती। लेकिन हम इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी अच्छी खासी रखेंगे, वाटर की इतनी नहीं रखेंगे, तो वाटर की अब यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, आने की, टच होने की, यानी अल्कोहल के हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। वैसे भी प्लस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर देने की टेंडेंसी अल्कोहल की ज़्यादा होती है। इसने दिया तो ये इंटरमीडिएट में कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, और कौन सा है टेट्राहेड्रल शेप है, तो बताओ क्लियर है। तो ये ऑक्सीजन ने इसको दिया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, टेट्राहेड्रल हो गया। अब एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है या नहीं है, तो ये वाला लोन पेयर इधर आया, ये ब्रेक होके इधर चला गया, ये OH अलग हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और O पे क्या आ गया प्लस। साथ ही ये जो ऑक्सीजन है इस पर भी प्लस चार्ज अनस्टेबल है, ये इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये H2O को दे देगा, वापस सिस्टम में वापस चला गया। तो अब आपके पास क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट बचा, फिर इसके अंदर ये एच वापस H2O को दे देगा, और ये हमारे पास फाइनली RC डबल बॉन्ड OR। तो हमारी रिएक्शन देखा जाए तो कितने स्टेप्स में हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन मैंने एक साथ दो एक साथ करा दिया, तो कुल मिला के ये 5 स्टेप्स के अंदर हो गया। मैंने ये भी निकाल दिया, एक एक करके निकलते हैं, तो 5 स्टेप्स में हम देखेंगे तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले ये माना जाता था, जो गलत था, कि अल्कोहल OH देता है, एसिड H देता है, एसिड बेस रिएक्शन। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन 16 है यहाँ पर अल्कोहल के अंदर, तो वो ऑक्सीजन 16 की जगह 18 है, तो वो ऑक्सीजन आपको मेन कंपाउंड में दिखाई देगी। यानी कुल मिला के अगर ये ऑक्सीजन 18 है, तो वो ऑक्सीजन 18 आपको मेन कंपाउंड में दिखाई देगी। इसका मतलब साफ है कि अल्कोहल ने H दिया है, न कि OH दिया है। तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे, बाकी तो बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई खास ऐसा नहीं है। इसको बोलेंगे हम एस्टरिफिकेशन। एक और चीज़, ये रिएक्शंस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है मतलब अगर डाइल्यूट करेंगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ज़्यादा पानी हुआ तो, और कम पानी रहा तो ये फॉरवर्ड की तरफ रहेगा, और मीडियम रहेगा तो ऑब्वियसली एक जगह क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम बन के रहेगा, यानी आप 100% प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। कुछ समझ में आया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, जो आपको लिखना है लिखिए।